हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्टेट रिवीजन क्लास 5। वी आर गोइंग टू स्टडी मीन्स रिवाइज शिक्षण कला जो 2020 जनवरी में आया था। तो पहला सवाल है, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है। डायरेक्ट आंसर इसका होगा कक्ष का सुगम करता है, क्लासरूम फैसिलिटेटर। व्हीलचेयर पर आने वाले बच्चों को नियमित स्कूल में नहीं जाना चाहिए, नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए, किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? तो अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में। यह आप सबने भी एग्ज़ाम दिया होगा, ये फ़िलहाल जनवरी में ही पूछा गया है। इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो प्रसिद्ध हैं डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए। सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म अभिज्ञता है? तो इसका आंसर है किशोरावस्था। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं क्या आया था क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो। अभी तक रीजनिंग का क्वेश्चन ही चल रहा है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन मिक्स करके आएगा। यहाँ क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म इज लिबरेशन। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1982। ये सब ईयर थोड़ा याद करना टफ होता है। 1982 में स्थापित किया गया था। विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किन संस्था द्वारा लागू की गई? तो CBSE द्वारा, मीन्स केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010। पीपल गेट कन्फ्यूज बिटवीन 2009 एंड 10, बट लागू कब किया गया, मीन्स इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति है त्रिभाषा सूत्र, मीन्स थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। अगेन रीजनिंग क्वेश्चन, कैन सी। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का दायित्व है विद्यालय के विकास में सहायक होना, कक्षा अध्यापन का प्रेषण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, शिक्षक अधिगम सामग्री विकसित करना, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है सृजनात्मक लेखन से किया जाता है, डी। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है कि भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, ये गलत है। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो अभिक्षमता प्रशिक्षण। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? छात्रों को दंडित करना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? बौद्ध। निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है, मीन्स
कौन है इसमें अस्तित्ववादी? तो इसका आंसर है सार्त्रे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंध नहीं है? तो वही धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। शिक्षा के दर्शन में का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? प्रकृतिवाद। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 21A। यह मैथ्स के क्वेश्चन हैं, आई थिंक क्वेश्चन अब फिनिश्ड हो चुके हैं। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन जो आया था, मैंने डिस्कस किया है शिक्षण कला, एस्टेट रिवीजन क्लास में ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।